नेशनल हाईवेज और मोटरवेज पर टोल टैक्स में इजाफा। कार का टोल टैक्स 40, वैगन का 70 और बस का 130 रुपए मुकर्रर। M1 मोटरवे पर कार का टोल टैक्स 240 से 350 रुपए हो गया। बस का टोल टैक्स 790 की बजाय 1000 रुपए देना होगा। M3 पर कार का टोल टैक्स 390 से बढ़ाकर 500 रुपए मुकर्रर। बस का टोल टैक्स 1200 से बढ़ाकर 1600 रुपए कर दिया गया। इतलाक 1 जुलाई से होगा। कैब सर्विसेज पर 4% तक टैक्स बढ़ाने की तजावीज़। टैक्स बढ़ाने से हुकूमत 15 करोड़ 30 लाख रुपए का रेवेन्यू हासिल करेगी। रेवेन्यू अथॉरिटी ने टैक्स बढ़ाने की सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी। मंजूरी से नए माली साल में टैक्स में इजाफे का इतलाक होगा, किराए बढ़ जाएंगे। हुकूमत किसानों से 11 अरब इजाफी वसूल करेगी। इस तरह इनकम टैक्स की शरह बढ़ेगी। 12 एकड़ से ज्यादा वाले काश्तकार शिकंजे में आएंगे। टैक्स 300 से बढ़ाकर 1200 फी एकड़ किया जाएगा। 25 से 50 एकड़ पर 400 रुपए से 1500 रुपए तक टैक्स होगा। पंजाब में 27 मई तक हीट वेव का खतरा। दर्जा हरारत 45 से 48 डिग्री तक जाने का खदशा। DGPDMA ने मुतालिका इदारों को अलर्ट कर दिया। तमाम अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स कायम कर दिए गए। आज शहर का पारा 43 डिग्री को छू गया। हिद्दत 47 डिग्री रही। महकमा खजाना ने बजट से कबल मुताबिक महकमों के फंड्स रोक लिए। महकमा हेल्थ ने तनख्वाहों, अद्वियात और दीगर अखराजात के लिए 41 अरब का बजट मांग लिया। महकमा खजाना ने ताहाल महकमा सेहत को बजट जारी नहीं किया। पंजाब में वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसीज खजाने पर बोझ बन गई। तमाम एजेंसीज को 14 अरब खसारे का सामना। एजेंसीज की सालाना आमदन 17 अरब, अखराजात 31 अरब से तजावज कर चुके। वासा लाहौर की इनकम 11 अरब, अखराजात 18 अरब रहे। तमाम वासा के खसारों पर रिपोर्ट तैयार। MCL मुख्तलिफ अहदाफ पूरे करने में नाकाम। 14 अरब 41 करोड़ हदफ में से सिर्फ 10 अरब 4 करोड़ इकट्ठे किए जा सके। जनरल बस स्टैंड लाहौर का हदफ 1 अरब 40 करोड़ रखा गया। 1 अरब 23 करोड़ 99 लाख ही जमा हो सके। इंटरमीडिएट पार्टों में अंग्रेजी के पर्चे में 2 जाली उम्मीदवार पकड़े गए। दोनों जाली उम्मीदवार गवर्नमेंट हाई स्कूल बेटियां रोड में पर्चा देने आए थे। एक उम्मीदवार ने 10,000 रुपए लेने का इकरार किया। दूसरा बीमार दोस्त की जगह पेपर देने आया था। FIR दर्ज। सरकारी स्कूलों के निजकारी गले पड़ गए। स्कूलों से सामान चोरी होने लगा। 0, सिंगल और डबल टीचर वाले स्कूल्स शामिल। स्कूल एजुकेशन का नोटिस। मुतालिका स्कूलों से फर्नीचर और दीगर सामान दूसरे स्कूलों में शिफ्ट करने का हुक्म। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले खबरदार। डी फोकस, ब्लर तस्वीर और नामुकम्मल कवायफ पर लाइसेंस जारी नहीं होगा। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक नामुकम्मल कवायफ वाले ड्राइविंग लाइसेंस पर मुतालिका स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 10,000 से ज्यादा लाइसेंस के कवायद नामुकम्मल पाए गए। पंजाब और विफाक के मोहसिन क्रिकेट के लिए भी बेचैन। आइंदा डोमेस्टिक कैलेंडर में इजाफी T20 इवेंट्स की ख्वाहिश का इजहार। डोमेस्टिक क्रिकेट और PSL गवर्निंग काउंसिल के अहम इजलास। PSL में टीमों की तादाद 8 करने पर तबादला ख्याल। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा, चाहता हूं प्रोफेशनल क्रिकेटर्स साल भर मसरूफ रहें। ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। PCB का वर्ल्ड कप के लिए नायब कप्तान मुकर्रर न करने का फैसला। किसी खिलाड़ी को नायब कप्तान बनाने की पेशकश नहीं की। बाबर आजम को कौमी टीम का बाख्तियार कप्तान बनाया गया। वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी का बारदाना की तकसीम में घपलों का नोटिस। रेफरेंस पर FIA ने पास्को अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। साबिक GM फील्ड जहूर अहमद रांझा, जोनल हेड बहावल नगर जिब्रान इकबाल के खिलाफ मुकदमा। मुल्जिमान ने 1 अरब का खजाने को नुकसान पहुंचाया। मनपसंद प्लेट्स लगाने वालों के लिए अच्छी खबर। मनपसंद प्लेट्स 3 कैटेगरीज में जारी करने की तजवीज़। प्लैटिनम कैटेगरी में मनपसंद नाम और जात वाली प्लेट की बुनियादी कीमत 5 लाख मुकर्रर की गई।
नान भाइयों का रोटी 14 रुपए की बेचने से साफ इनकार। शहर में रोटी के मनमाने दाम वसूल। बेशतर इलाकों में रोटी 15 रुपए की बेची जा रही है। उधर जिला इंतजामिया का सब अच्छा का दावा, सस्ती रोटी और नान की फराहमी के लिए 96% सूरत हाल बेहतर करा देती। अकबरी मंडी में चावल की कीमतें मजीद कम हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर चावल बदस्तूर महंगे। मंडी में चावल 240 से 290 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आज भी चावल 320 रुपए किलो दस्तयाब। सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड पर इलाज को नो लिफ्ट। मरीजों की अक्सरियत को सेहत कार्ड पर इलाज फराहम नहीं किया जा रहा। डॉक्टर्स और अमले का मुनासिब शेयर तय न होने से सेहत कार्ड को पजीराई ना मिल सकी। सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड को तरजीह ना देने से मरीज दर बदर। गंदे नाले की नाकिस मरम्मत। पानी इडन वैल्यू होम सोसाइटी में दाखिल हो गया। इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में मुश्किल। सुनवाई न होने पर सोसाइटी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। फिरोजपुर रोड से मुतसिल सितारा कॉलोनी मसाइल का गढ़ बन गई। सीवरेज का मुनासिब इंतजाम न होने के बराबर शंघाई रोड पर वाकया नाला आबादियों के लिए वबाले जान बन गया। नाले की सफाई 8 माह से नहीं की गई। गुल कॉलोनी में नर्स वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे से बंद। सिंहपुरा मंडी जीटी रोड पर तजावजात की भरमार। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से राहगीरों को मुश्किल। फिरोजपुर रोड भी तजावजात की आमाज का बन गया। मुस्लिम टाउन निचरा बाजार के बाहर रेड़ी बानों ने कब्जा जमा लिया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। इक्यानवे बार ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ी पकड़ी गई। कार ड्राइवर ने मौके पर 44,900 रुपए जुर्माना जमा करा दिया। ड्राइवर ने 70 बार ट्रैफिक सिग्नल के खिलाफ वर्जी की। 21 मरतबा दीगर कानूनी भी रोंदे। थाने में जितना जुर्म उतनी नफरी। पुलिस अफसरान से इजाफी नफरी वापस लेने का फैसला। थानों पुलिस दफातर और अफसरान से इजाफी नफरी वापस बुलवाई जाएगी। थानों में जराइम के तनासुब और नफरी की चेकिंग बारे कमेटी तश्कील। जेल अफसरान की तैनाती का दौरानिया 1 साल रखने का फैसला। 1 साल तक तैनात जेल अफसरान का तबादला किया जाएगा। फैसले का इतलाक जेल सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पर होगा। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और दीगर जेल अफसरान भी तब्दील होंगे। चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर्स और मरीज के लवाहिकीन में तनाजा। तहकीकात में डॉक्टर्स झूठे निकले, एक भी सबूत ना ला सके। AMS की मदद में दर्ज मुकदमा खारिज। तफ्तीश में मरीज के लवाहिकीन बेगुनाह करार पाए गए। शहरियों की गैर कानूनी हिरासत, झूठे मुकदमा। हाई कोर्ट का शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में रखने से मुतालिक फैसला। खातून को गैर कानूनी हिरासत में रखने पर SHO दीगर अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। जस्टिस अशरत जावेद घराल ने नजमा बीबी की दरखास्त पर 10 सफात का फैसला जारी किया।